हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नामनक्लेचर ऑफ कीटोन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कॉमन नामनक्लेचर ऑफ कीटोन के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे IUPAC नामनक्लेचर ऑफ कीटोन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, जब हम कीटोन का नामनक्लेचर करते हैं ना, तो एल्केन जो होता है उसके ई को हटा के हम क्या जोड़ते हैं, ONE। एल्केन के जो ई है लास्ट में उसको हटा के हम क्या जोड़ते हैं, ONE। इसको आप अभी ऐसे समझिए, जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट क्या होता है, ऐसा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें कीटोनिक ग्रुप भी होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, हम कीटोनिक ग्रुप के पोजीशन को लोकेट करेंगे, मतलब कि नंबरिंग के द्वारा हम कीटोनिक ग्रुप के पोजीशन को बताएंगे। थर्ड पॉइंट ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक बार से अधिक है तो उसमें हम प्रीफिक्स के रूप में डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं। फिर से सुन लीजिए, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक बार आता है तो हम उसमें डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करते हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं, द ई ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाई ONE। एल्केन के ई को रिप्लेस करते हैं ONE से। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस चेन हैविंग कीटोनिक ग्रुप, ऐसा लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें कीटोनिक ग्रुप भी होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, लोकेट द पोजीशन ऑफ कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप के पोजीशन को हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, कैसे, नंबर के द्वारा। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ़ सेम सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट मोर देन वन टाइम देन प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा आर यूज। जब सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक बार प्रेजेंट होता है तो उसमें हम डाई ट्राई टेट्रा का यूज़ करते हैं। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप नंबरिंग चाहे जिस साइड से कर सकते हैं, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप दोनों साइड से सेम पोजीशन पे आएगा। अगर आप इस साइड से करेंगे 1, 2, 3 तब भी ये 2 पोजीशन पे ही आएगा कीटोनिक ग्रुप, और अगर आप इस साइड से करोगे 1, 2, 3 तब भी ये क्या आएगा, 2 पोजीशन पे ही आएगा। तो आप चाहे जिस साइड से नंबरिंग कर सकते हो, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप जो है वो सेम पोजीशन पे आएगा। तो इसका नामनक्लेचर आप कैसे करोगे, तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोपेन यूज करते हैं, प्रोपेन यूज करते हैं ना तीन कार्बन के लिए। तो प्रोपेन यहाँ पे ई ना लगा के, लास्ट में एन के बाद ई ना लगा के हम क्या जोड़ेंगे, ONE। यहाँ पे ई रहता अगर ये प्रोपेन होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, तो वहाँ पे हम ONE लगाएंगे ई को हटा के, तो ये हो गया प्रोपेन नोन। अब पोजीशन को भी बताना है, कीटोन ग्रुप जो है वो किस पोजीशन पे है, तो 2 यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे हाइफन लगाएंगे। 2 क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि कीटोन ग्रुप किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है ना कीटोन ग्रुप, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड देखते हैं, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, और नंबरिंग इस साइड से अगर हम करेंगे 1, 2, 3 3 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आ रहा है, और अगर इस साइड से करेंगे 1, 2 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कीटोनिक ग्रुप जिस साइड से पहले आएगा उसी साइड से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से पहले आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4 लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं ना, तो 1, 2, 3, 4 चाहे आप इस साइड से करो नंबरिंग, ये वाला करो चाहे ये वाला करो, वो चेन जो है वो सेम ही आ रहा है। तो हम यही मान लेते हैं 3 पोजीशन पे क्या है, मेथिल है, तो हम क्या करेंगे, मेथिल लिखेंगे 3 पोजीशन पे, ये मेथिल है ना, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मेथिल है ना, तो मेथिल लिख देंगे 3 पोजीशन पे, मेथिल हो गया। और ये क्या है, 4 कार्बन का है ना, 4 कार्बन का है, और कीटोनिक ग्रुप 2 पोजीशन पे है, तो
तो यहाँ पे हाइफन लगा के टू, और चार कार्बन के लिए ब्यूट ब्यूट यूज करते हैं ना, तो ब्यूटेन नोन। अगर ये एल्केन होता तो हम क्या लिखते, ब्यूटेन लिखते ना, तो ई हटा के ओ एन ई लगाएंगे। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकेंड देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें हम नंबरिंग कैसे करेंगे ये आप देख लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। एक तो ऐसे कर सकते थे और एक कैसे कर सकते थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ऐसे भी आप कर सकते थे सिक्स सेवन, तब भी ये सात कार्बन का चेन आ रहा था यहाँ पे सेवन करने पे। और एक आप कैसे कर सकते थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तब भी ये सात कार्बन का ही आ रहा था। लेकिन हमने इस चेन को ही क्यों लिया, इस वाले चेन को ही क्यों लिया, इसका रीजन हम बता रहे हैं आपको। देखिए, अगर हम ये वाला चेन लेते, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये वाला चेन लेते, तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हमको एक ही मिलता, एक सब्स्टिट्यूएंट मिलता अगर हम ये वाला चेन लेते। और ये वाला चेन अगर हम ले रहे हैं तो हमको कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, एक दो, दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं अगर हम ये वाला चेन ले रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ज़्यादा होने चाहिए, उस वाले चेन को आप सिलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ज़्यादा हों। ये भी रूल है, आपको पता होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट जो है जिसमें ज़्यादा होंगे उसी वाले चेन को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस वाले चेन में सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए हमने इस वाले चेन को सिलेक्ट किया, ना कि इस वाले चेन को। इस वाले में एक ही आ रहे थे और यहाँ पे दो आ रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये क्या है आपका, ये इतना, ये है एथिल, ई से स्टार्ट होता है, और ये है मेथिल, एम से स्टार्ट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको पहले लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली क्या होता है, पहले आता है। अल्फ़ाबेटिकली आपको पता होगा ई पहले आता है, एम बाद में आता है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, फाइव, फाइव पोजीशन पे अटैच है ना एथिल, तो क्या लिखेंगे, फाइव एथिल, सिक्स मेथिल, सिक्स मेथिल, थ्री, थ्री पोजीशन पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है थ्री पोजीशन पे, इसलिए हम यहाँ पे थ्री लिख रहे हैं, थ्री हेप्टे नोन। यहाँ पे सात कार्बन था, सात कार्बन के लिए हम हेप्टेन यूज करते हैं। ये सब हम आपको बता चुके हैं कि कितने कार्बन पे क्या क्या यूज़ करते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। सात कार्बन के लिए हम हेप्टेन यूज करते हैं, अगर एल्किन हो तो हेप्टेन यूज करते हैं। तो यहाँ से ई हटा के ओ एन ई जोड़े रहे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ये एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे हम नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नंबरिंग इस साइड से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप इधर से नंबरिंग करने पर पहले आ रहा है, और अगर हम इधर से नंबरिंग करते, वन टू थ्री फोर, फोर पोजीशन पे आता कीटोनिक ग्रुप, इधर से करने पे थ्री पे आ रहा है, तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। और लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिक्स यही है, इसीलिए हम इस चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, मेथिल ग्रुप अटैच है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, ये भी क्या है, मेथिल ग्रुप है, और ये भी क्या है, मेथिल ग्रुप है। तो आपको थ्री मेथिल ग्रुप मिल रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या कहा था, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक या एक से अधिक बार, सॉरी दो या दो से अधिक बार अटैच हैं, तो हम डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करते हैं। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट दो या दो से अधिक बार अटैच है तो हम डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तीन बार मेथिल ग्रुप अटैच है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे,
तो नंबरिंग करने के बाद देखते हैं किस किस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले दूसरे पोजीशन पे है तो 2, और किस पोजीशन पे है 4, 4 पोजीशन पे 2 बार अटैच है तो 4 4, 3 बार मेथिल ग्रुप अटैच है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। ये भी बता चुके हैं कितने बार अटैच होने पे क्या यूज करते हैं, ट्राई मेथिल। अब देखेंगे किस पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है, 1 2 3, 3 पोजीशन पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। 3 लिखने के बाद देखेंगे कितने कार्बन का जो है वो चेन है, तो 6 कार्बन का चेन है और 6 के लिए हम हेक्स यूज़ करते हैं तो हेक्स से 9। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं अब पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। आपको पता होगा नंबरिंग हम इस साइड से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इधर से नंबरिंग अगर करेंगे तो कीटोनिक ग्रुप 4 पोजीशन पे आएगा, और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 पोजीशन पे आएगा, और जहाँ से कीटोनिक ग्रुप जो है वो नज़दीक पड़ता है उधरी से हम क्या करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 5 कार्बन का है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, क्योंकि इसमें ना डबल बॉन्ड भी आ रहा है तो ईन भी लगाते हैं। आपको ये पता होगा अगर डबल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगाते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है तो क्या लिखेंगे, 3 EN इन। और 2 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पे कीटोनोइक ग्रुप है, उसके लिए हम क्या लगाते थे, ONE लगाते थे तो 2 लिखेंगे और क्या लिख देंगे, ONE लिख देंगे। यहाँ पे क्यों हम सबसे पहले पेंट लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप, एक तो कीटोनिक ग्रुप है और एक एल्कीन है, इसीलिए हम यहाँ पे पेंट पहले लिखेंगे, फिर एक फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, फिर दूसरा वाला फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे उसके पोजीशन के पोजीशन को बताते हुए, उसके पोजीशन को बताते हुए सबसे पहले लिखेंगे। और EN पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि E पहले आता है और O जो है वो बाद में आता है, इसीलिए यहाँ पे पोजीशन जब बता रहे थे हम तब की बात कर रहे हैं हम, इसलिए EN लिखे हैं पहले क्योंकि E पहले आता है और ON जो है वो बाद में, मतलब O बाद में आता है, इसीलिए इसको हम बाद में लिखे हैं फंक्शनल ग्रुप को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका नंबरिंग हम कैसे करेंगे और नॉमेनक्लेचर इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर से कीटोनिक ग्रुप पहले आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 पोजीशन पे आ रहा है इधर से, और इधर से करते तो ज़्यादा 1 2 3 4 5 5 पोजीशन पे आता, इसीलिए इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 7 का है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिख देंगे। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है, ये क्या है मेथिल, ये भी क्या है मेथिल, ये क्या है एथिल, तो इसको दिखाएंगे सबसे पहले, सब्स्टिट्यूएंट दिखाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम ये चेन लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 4 पोजीशन पे क्या है, एथिल है, यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे मेथिल है। सबसे अब ये देखेंगे कि मेथिल जो है वो पहले आता है कि एथिल पहले आता है, तो हम इसको अल्फ़ाबेट के लिए देखेंगे, ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एथिल को, तो 4 पोजीशन पे है, 4 एथिल, 2 और 6 पे है ना मेथिल, 2 6 डाई मेथिल। 7 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेप्ट, हेप्ट यूज़ करते हैं, हेप्ट।
फोर्थ पोजीशन पे क्या है? फोर्थ पोजीशन पे नहीं, फोर्थ पोजीशन पे है इन, ई एन, फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ना, तो फोर्थ पोजीशन का हम लिख देंगे ई एन, और थ्री पोजीशन पे है ओन, कीटोनिक ग्रुप है थ्री पोजीशन पे, तो हम लिख देंगे ओन, यहाँ थ्री पोजीशन पे ओन लिख देंगे। फिर से देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एम पहले आता है या ई पहले आता है, तो ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो हम एथिल पहले लिखेंगे, फोर्थ पोजीशन पे एथिल लिख दिए, और सिक्स और टू पोजीशन पे क्या है, मेथिल है, तो डाई हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक बार है, तो टू सिक्स डाई मेथिल हो गया। अब ये सात कार्बन का है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेप्ट यूज़ करते हैं, तो हेप्ट हमने लिख दिया। अब फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे इसको लिखते हैं इन और इसको लिखते हैं ओन, कीटोनिक ग्रुप को, तो इसमें देखेंगे ई पहले आएगा और ओन बाद में आएगा, इसीलिए ई को हम पहले लिखेंगे, तो ये फोर इन थ्री ओन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब अगर रिंग है तो उसमें नामन क्लेचर हम कैसे करते हैं, अगर रिंग होता है तो नामन क्लेचर कैसे करते हैं, उसके लिए हमको ये वाला ग्रुप, इसका नाम याद होना चाहिए क्योंकि इसको हम लास्ट में ऐड कर देते हैं, किसी का भी नामन क्लेचर करेंगे कीटोनिक ग्रुप में अगर रिंग होता है तो ये हमको याद रहना चाहिए, इसको हम कहते हैं एसिटोफिनोन, इसको कहेंगे एसिटोफिनोन, इसका नाम हमको अगर याद रहेगा तभी हम रिंग में कीटोनिक ग्रुप का नामन क्लेचर कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, अब इसका हम नामन क्लेचर कैसे करेंगे, इसको तो हम बोल देते हैं एसिटोफिनोन। अब यहाँ पे हम नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पहले आता है, तो यहाँ पे कर लेंगे वन टू थ्री, अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते तो वन टू थ्री फोर, फोर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आता, लेकिन अगर हम इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो थ्री पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, थ्री फोर, इस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लिए। अब देखेंगे ये क्या है, मेथिल है तो एम से स्टार्ट होता है, ये क्या है ब्रोमो है तो बी से स्टार्ट होता है, तो अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है एम से, तो हम क्या लिखेंगे फोर ब्रोमो, थ्री मेथिल, और क्या लिख देंगे एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ये हो गया। अब इसका नामन क्लेचर करके देख लेते हैं, यहाँ पे नंबरिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग हम करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, क्योंकि अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते तो वन टू थ्री, थ्री पोजीशन पे आता सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करने पे टू पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ जा रहा है, इसीलिए नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, ये हो गया ई से स्टार्ट होता है ई, और ये हो गया मेथिल एम से स्टार्ट होता है, ये क्लोरो हो गया तो सी से स्टार्ट होगा, और ये नाइट्रो हो गया तो एन से स्टार्ट होगा, तो अल्फ़ाबेटिकली सी पहले आता है, तो क्या लिखेंगे फोर क्लोरो, उसके बाद लिखेंगे टू एथिल, फिर क्या हो गया थ्री मेथिल, थ्री मेथिल, फाइव नाइट्रो, अब क्या लिख देंगे एसीटोफिनोन। अगर रिंग में नामन क्लेचर आता है कीटोनिक ग्रुप का तो आप ऐसे करोगे, और अगर चेन फॉर्म में आता है आपको, चेन फॉर्म में, तो हम इतना ज़्यादा एग्जांपल आपको लेके बता दिए। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।